सो गाइस यहाँ पे मेरे पास दो वॉचेस हैं, एक तरफ है फायरबोल्ट की स्नैप 4G और एक तरफ है फायरबोल्ट की ड्रीम वॉच। तो गाइस ड्रीम वॉच है बेसिकली, और स्नैप 4G में क्या है कि आपका हल्का सा स्लाइटली डिफरेंस है। देखो यहाँ पे अगर मैं 4G प्रो को हल्का सा स्टैंड कर दूँ, राइट साइड से एक्सटेंड कर दूँ हल्का सा, तो यहाँ पे कैमरा लगा दूँ तो यही वॉच बन जाएगी फायरबोल्ट की स्नैप 4G। और ड्रीम से तो आप वाकिफ हुई, तो दोनों का ही हम कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं दोनों में से बेटर कौन सी है। तो आपको अब करीब करीब 8 मिनट के लिए, 8 से 9 मिनट के लिए मानना है कि यहाँ पे मेरे पास है फायरबोल्ट की स्नैप 4G वॉच कंपेयर टू फायरबोल्ट की ड्रीम वॉच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को। वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में आप हमारे टेकपॉक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हम बहुत ही कमाल की डील लाते रहते हैं, लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पर मिलते रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बहुत सारे लोगों का कंसर्न जो है आज वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, फायरबोल्ट की स्नैप 4G वर्सेस फायरबोल्ट की ड्रीम। बहुत सारे लोगों के पास ड्रीम है, आई होप यहाँ पे ड्रीम मेरे ख्याल से मेजोरिटी ऑफ पर्सन के पास है। अगर मैं कंपेयर करूँ ओरेकल से, ओरेकल से ज़्यादा लोगों ने ड्रीम को बाय किया है, एम आई राइट? बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में कितने लोगों के पास ड्रीम है, कितने लोगों के पास ओरेकल है। तो यहाँ पे स्नैप 4G के साथ कंपेयर करें, वैसे ओरेकल के साथ मैंने कंपेरिजन कर रखा है, जाके आप चेक कर सकते हो दोनों में से बेटर कौन सी है, मैं सब कुछ बता रखा है उस वीडियो में। तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले की बात करते हैं, तो डिस्प्ले का साइज जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। यहाँ पे 2 इंच से ऊपर की डिस्प्ले मिलती है दोनों में ही आपको। ड्रीम की बात मैं करूँ तो यहाँ पे 2.02 इंच की IPS पैनल है, 60Hz का UI मिलता है यहाँ पे, स्मूथ है। और स्नैप 4G में एज सच कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि कितने हर्ट्स की डिस्प्ले है, बट ये HD डिस्प्ले मिलेगी और यहाँ पे पिक्सल साइज काफ़ी कमाल का है, इवन ड्रीम को भी सरपास कर जाती है। ड्रीम में जो पिक्सलेशन आपको देखने को मिलेगी ज़्यादा जूम करोगे तो स्नैप 4G में वो नहीं मिलेगा, जूम करने पे भी शार्पर इमेजेस आपको देखने को मिलने वाली है, तो ये काफ़ी अच्छा है। अभी देखने वाली बात होगी कि मल्टीटच सपोर्ट है कि नहीं आपको स्नैप 4G में, क्योंकि ओरेकल या ड्रीम में दोनों में से किसी में भी मल्टीटच सपोर्ट नहीं आता, ओनली सिंगल फिंगर टच सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप BGMI ये सब गेम्स को ना, जिसमें मल्टीपल फिंगर्स का काम होता है, क्योंकि एट अ टाइम ऑफ फायरिंग भी चाहिए होती है और उसी टाइम आप भागते भी हो, तो दो फिंगर आप रखते हो जब चलाते हो, तो यहाँ पे ड्रीम और ओरेकल में तो वो सपोर्ट है नहीं, बट आई होप सो कि स्नैप 4G में हो। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें, ब्रेस्ट टू वेक देखने को मिल जाएगा, बट ऑलवेज और पैनल नहीं मिलेगा, क्योंकि स्नैप 4G में आपको AMOLED डिस्प्ले नहीं मिलेगी, जो कि स्टार्टिंग से चला आ रहा है, ड्रीम में भी नहीं थी, ओरेकल में भी नहीं थी, और स्नैप 4G में तो नहीं मिलेगी। और ड्रीम में आपको कर्व डिस्प्ले मिलती है 2.5D कर्व ग्लास वाली, और स्नैप 4G में आपको फ्लैट ग्लास डिजाइन मिलेगा, ऊपर की साइड से एक पॉलीकार्बोनेट की रिंग प्रोवाइड करेगी, पूरी वॉच जो है पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है, ड्रीम बिल्ड क्वालिटी में अच्छी मिलती है, मैं आपको आगे बताऊंगा उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। शार्पनेस यहाँ पे कहीं ना कहीं स्नैप 4G में काफ़ी बेटर है ड्रीम वॉच से, बट अगेन गाइस यहाँ पे ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी मेरे को स्नैप 4G की ही बेटर लगेगी, क्योंकि यहाँ पे पिक्सल साइज काफ़ी कमाल का दे रखा है, 410 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन, पीक ब्राइटनेस में भी यहाँ पे स्नैप 4G आगे निकल जाएगी आपकी ड्रीम वॉच से, तो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी स्लाइटली बेटर आपको मिलेगी ड्रीम वॉच से। उसी के साथ साथ यहाँ पे वॉच फेस की बात करते हैं, क्लाउड बेस्ड वॉच फेस हो या थ्रू द प्ले स्टोर आप डाउनलोड कर सकते हो, ऐप तो सपोर्ट रहेगा नहीं, तो ये तो क्लियर है, यहाँ पे एक रिस्ट फोन की तरह ही आएगी स्नैप 4G भी, ड्रीम वॉच भी रिस्ट फोन ही है आपका, अलग से एक फ़ोन आपने हाथ पे पहन रखा है, तो यहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, टन्स ऑफ जो लॉन्चर है वो डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे वॉच फेस आप चेकआउट कर सकते हो, तो ओवरऑल आपको पॉसिबिलिटीज़ बहुत मिल जाती हैं ड्रीम या स्नैप 4G की बात मैं करूँ। आगे बात आती है यहाँ पे फिटनेस ट्रैकिंग की, तो यहाँ पे मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे फिटनेस ट्रैकिंग के लिए अगर आप देखना चाह रहे हो इन दोनों वॉचेस को, तो मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा, चाहे ड्रीम हो, चाहे ओरेकल हो, चाहे आपकी 4G प्रो वॉच हो, चाहे स्नैप 4G हो, इन सब में एक्यूरेसी नहीं मिलेगी आपको, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप सब। बट हाँ, फीचर्स के मामले में अगर आप देखो तो मार्केट में किसी भी वॉच को ये धूल चढ़ा देंगे, क्योंकि फीचर के मामले में टॉप की वॉच निकल के आती है। IP67 रेटेड है, 1 मीटर अप टू 30 मिनट्स, बट डीप स्विमिंग के लिए नहीं बनी है दोनों में से कोई सी वॉच, ये आपको क्लियर कर दूँ। हैवी रेनिंग वेनिंग में लेके नहीं जा सकते, नॉर्मल स्प्लैश स्वेट में चल जाएगी, बट ऐसा नहीं कि आपने पहन ली इसको हाथ धो रहे हो तो पानी जा सकता है, जहाँ से सिम स्लॉट है दोनों वॉचेस का वहाँ से पानी जा सकता है, तो थोड़ा सा संभल के यूज़ करिएगा। और एक्यूरेसी मैंने आपको दिखा दी यहाँ पे 60-50% मिलेगी देखने के लिए। एक्सेलेरोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, और यहाँ पे 4G नैनो सिम सपोर्ट, स्नैप 4G में कैमरा भी बिल्ट इन मिल जाता है, जो कि ड्रीम वॉच लेके नहीं आती। सबसे बड़ा कंसर्न लोगों का ये था ड्रीम वॉच से कि QR कोड को कैसे स्कैन करेंगे हम, फोन पे गूगल पे कैसे हम जब भी पेमेंट करेंगे किसी को कैसे करेंगे बिना उसके कैमरे के, तो एक सॉल्यूशन था वो था कि आपको UPI ID पे करना पड़ेगा डाल के वहाँ पे प्रॉपर, बट यहाँ पे स्नैप 4G में प्रॉपर आप पिक खींच सकते हो, प्रॉपर आप वीडियो बना सकते हो, प्रॉपर आप QR कोड को स्कैन कर सकते हो, और लिटरली WhatsApp के वीडियो कॉल्स भी आप उठा सकते हो। ड्रीम वॉच में ऑप्शन नहीं था, ड्रीम वॉच में ओनली ऑडियो कॉल उठते थे। आगे बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की, स्मार्ट नोटिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं, और फिजिकल नैनो सिम पड़ती है, कॉल रिजेक्ट उठा भी सकते हो, डायल पैड मिल जाता है प्रॉपर,
टर्म्स ऑफ कॉन्टेंट को आप सेव कर सकते हो और ये सब चीज़ें अच्छी हैं। स्नैप 4G में तो आपको आई थिंक फेस लॉक का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कैमरा है ना, तो क्या पता कंपनी उस चीज़ को भी ला दे। फुल टच पैनल रहेगा, स्मूथ रहेगा। फायरबोल्ट की 90% वॉचेज में आपको स्मूथ यूआई देखने को मिलता है, लैग वैग नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से इस वॉच में भी बताया नहीं गया 60 हर्ट्ज़ का यूआई है, बट ऑफिशियल अभी जो फीचर्स जब आएंगे पता चलेगा, पेज जो मैं चेक करूंगा बाद में, मे भी हो सकता है उसमें 60 हर्ट्ज़ का यूआई बोला जाए, बट अभी तक ये मान के चलो कि ये जो फीचर मैं आपको बता रहा हूँ अप टू 95% तक एक्चुअल है, क्योंकि यही सोर्सेज के थ्रू पता चला है और हर जगह यही शो कर रहा है ऑनलाइन भी। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कानून टाइमर, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो ये कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है, पुराना वाला 5.0 दिया गया है, 5.3 देना चाहिए था कम से कम कंपनी को। वाईफाई जीपीएस का सपोर्ट तो है ही है यहाँ पे। और एडिशनल फीचर्स की हम बात करते हैं, म्यूजिक स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे 800 से 1000 सॉन्ग्स को रख पाओगे आप। अप्रॉक्सीमेटली 11 से 12 GB ऑफ आपको फ्री स्टोरेज मिलेगा, और जो 4 GB रहेगा उसमें जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वो इंस्टॉल्ड रहेगा बाय डिफॉल्ट। और इसी के साथ साथ वॉइस असिस्टेंट, TWS पेयरिंग का ऑप्शन, प्रॉपर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है जिससे आप दूसरी वॉच को भी कनेक्ट कर पाओगे इसी वॉच से। तो मैंने एक जस्ट फन के लिए एक वीडियो बनाई थी कैसे आप फायरबोल्ट की ड्रीम में अदर वॉचेस को भी कनेक्ट करके एट ए टाइम यूज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी कमाल का है ब्लूटूथ कॉलिंग वाली वॉचेस खासकर। उसके साथ साथ यहाँ पे कैलकुलेटर और कॉन्टैक्ट सेव भी कर सकते हो, GPS का फंक्शन भी देखने को मिल जाएगा। एंड आगे बात करें, एंड्रॉयड रिस्ट फोन की तरह यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मोबाइल असिस्टेंट का एज सच कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, ऐप सपोर्ट नहीं है। तो ये है कहीं ना कहीं, फायरबोल्ट ने ओरेकल वॉच में दिया था मोबाइल असिस्टेंट, बट वो कुछ ज़्यादा कारगर था नहीं, सिर्फ नोटिफिकेशन आते थे। तो कॉलिंग फैसिलिटी हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहे, लोगों को ईज़ ऑफ एक्सेस मिल जाए, वो अपनी सिम को ना भी यूज़ करें तो ब्लूटूथ कॉलिंग तो कम से कम कर पाए। तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं कंपनी को देना चाहिए था। आगे बात आती है यहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज कहीं ना कहीं दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पे कोई अदर वेरिएंट्स नहीं आएगा, हायर वेरिएंट नहीं आपको देखने को मिलेगा। 3/32/64 वाला कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, बाय डिफॉल्ट 16 GB और 2 GB आपको रैम मिल जाएगा। और यहाँ पे कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे आपको कंपनी की तरफ से या मतलब सॉफ्टवेयर में आपको एम्बेडेड 4x5x यहाँ पे मेन्यू स्टाइल देखने को मिल जाएंगे, लिस्ट ग्रिड आई वॉच टाइप का मेन्यू। डबल बटन कंट्रोल दोनों में देखने को मिल जाएगा, बट स्नैप 4G में आपको फिक्स्ड बटन मिलता है, यहाँ पे रोटेटिंग क्राउन का ऑप्शन नहीं है जैसे कि फायरबोल्ट की 4G प्रो वॉच थी उस तरीके से ही। और ड्रीम वॉच में आपको डबल बटन कंट्रोल मिलता है, रोटेटिंग क्राउन भी देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल ड्रीम स्लाइटली बेटर यहाँ पे कह सकते हो, एस्थेटिकली एप्पल लुक को रिजेंबल करती है। स्नैप 4G अलग एक स्पोर्टी डिज़ाइन लेके आती है आपके सामने। अब आपको चूज़ करना है, आपको एप्पल की कॉपी चाहिए, अलग थोड़ा सा डिज़ाइन चाहिए 4G वॉच की कैटेगरी में। अब बात आती है यहाँ पे बैटरी बैकअप, तो बैटरी जो कैपेसिटी है स्नैप 4G की ऑलमोस्ट 200 mAh ज़्यादा है, जिसकी वजह से बैटरी बैकअप तो ड्रीम से आपको डेफिनेटली ज़्यादा मिलने वाला है। और इसमें जो एंड्रॉयड जो ऑप्टिमाइजेशन है वो भी मेरे ख्याल से बेटर किया गया होगा, क्योंकि ड्रीम जो इनकी थी फर्स्ट जनरेशन थी जिसमें एंड्रॉयड 8.1 था, उसके बाद ओरेकल आई 10 के साथ एंड्रॉयड। अब मुझे लग रहा है स्नैप 4G में 11 या 12 देखने को मिल सकता है, और प्रोसेसर भी थोड़ा सा अपग्रेडेड मिलेगा आपको ड्रीम और ओरेकल से। तो ओवरऑल कहूँगा मैं सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर जाएगी ड्रीम वॉच से भी। और 40 घंटे का क्लेम किया गया है बैटरी बैकअप ऑन पेपर, मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, इस बार आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलेगा। एंड बात करें यहाँ पे एक्चुअल की, तो 15 घंटे का आपको बैटरी बैकअप मिल सकता है सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑफ करके। और ड्रीम वॉच में 15 तो नहीं मिलता, यहाँ पे आपको मिल जाता है अराउंड 18 से 19 घंटे का मिल जाता है। तो अभी मैं रफली आपको बता रहा हूँ, जब एक्चुअल यूज़ हम करेंगे तो एक्चुअल चीज़ पता चलेगी। मैं दोनों का ही कंपेरिजन करके आपको दूंगा, शॉर्ट्स अपलोड करता रहूँगा डेली बेसिस में, तो उसको आप देख लीजिएगा। अभी हम रफली यहाँ पे अंदाज़ा लगा रहे हैं 15 घंटे का एज सच आपको मिल जाएगा, बट ड्रीम में अभी भी ज़्यादा है आप ये देख रहे हो। तो गैज ड्रीम या स्नैप 4G की बात मैं करूँ तो आपके यूजेस पैटर्न पे डिपेंड करता है, कितने लोग सिर्फ एक ही कॉल उठाते उसके बाद वॉच को रख देते हैं स्टेबल ऐसे ही आइडल बेसिस पे, फिर यूज़ ही नहीं करते क्योंकि अभी तो वैसे भी गर्मी का टाइम है, ज़्यादा लोग बाहर घूमते नहीं हैं तो ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं वॉचेस को। तो कहीं ना कहीं उस पे भी डिपेंड करता है कितना आप यूज़ कर रहे हो, आपका यूजेस क्या है। एंड उसी के साथ साथ आगे बढ़े यहाँ पे थोड़ा सा, तो मेन फीचर्स पे आते हैं, हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है और SPO2 वाला मॉनिटर देखने को मिल जाएगा। ड्रीम वॉच में भी है ऑप्शन ये, बट ये कि इन सब चीज़ों पे भरोसा मत करिएगा, यहाँ पे आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो आपको फिर फिटनेस वॉच लेनी पड़ेगी, सैमसंग की मिल जाएगी आपको Fit 3 जो आई थी, उसके बाद Amazfit की भी आपको मार्केट में मिल जाएंगी, ऑनर की वॉचेज हैं। तो गाइस बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, अगर आपको एक्यूरेसी ही मैटर करती है, फर्स्ट प्रायोरिटी एक्यूरेसी है, तो फीचर्स पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आगे बात आती है स्लिप ट्रैकिंग, कैलोरी बर्न, स्टेप ट्रैकिंग और साथ में सेरेंटरी रिमाइंडर, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, बेसिक चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी दोनों ही वॉचेज़ में। बिल्ड क्वालिटी पर आते हैं, यहाँ पे ड्रीम वॉच डेफिनेटली यहाँ पे बेटर बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है, क्योंकि एल्यूमिनियम 6000 सीरीज़ यूज़ करेगी ड्रीम वॉच में, और स्नैप 4G में तो आपको नॉर्मल पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है जो कि फायरबोल्ट 4G प्रो में था, बट ये हार्ड प्लास्टिक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे फ्लिमजी बिल्ड है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है स्नैप 4G की भी। वेट डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा होगा ड्रीम वॉच से, क्योंकि 200 mAh बैटरी कैपेसिटी बढ़ाई गई है, दूसरा कैमरा भी लगाया गया है जिसका वेट कहीं ना कहीं आपको वॉच के ओवरऑल वेट में देखने को मिल सकता है।
22mm स्ट्रैप साइज है स्नैप 4G में, और ड्रीम वॉच में 42 से लेके 45mm तक का स्ट्रैप साइज आपको देखने को मिल सकता है। आफ्टर मार्केट का आपको वही चूज़ करना पड़ेगा, एप्पल टाइप का स्ट्रैप लगता है इसमें। और स्नैप 4G में तो इजीली अवेलेबल है, बहुत सारे स्ट्रैप आप चूज़ कर सकते हो, वैरायटी ऑफ स्ट्रैप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। टीपी स्ट्रैप या चेन वाला स्ट्रैप आप जौन सा चाहो चूज़ कर पाओगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे ड्रीम वॉच में भी और स्नैप 4G में भी। जैसे मैंने बताया वॉच डायल और बेस पॉलीकार्बोनेट है स्नैप 4G का, ड्रीम का एल्युमिनियम बेस ग्लास्टिक मटेरियल का है, तो ओवरऑल ड्रीम बिल्ड क्वालिटी में डेफिनेटली सरपास कर जाती है स्नैप 4G को। उसी के साथ साथ यहाँ पे प्राइसिंग एंड कंक्लूजन की बात करते हैं, कब आएगी। देखो फायरबोल्ट स्नैप 4G आपकी देखने मिल सकती है इस मंथ के एंड तक, 29-30 तक, और नेक्स्ट मंथ के मे बी फर्स्ट वीक में आपको सेल पे देखने को मिल सकती है। प्राइसिंग क्या रहेगा, अभी सूत्रों से ये खबर पता चली है 3,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये के बीच में रहने वाला है, हो सकता है 3,500, हो सकता है 4,000, हो सकता है 5,000 रुपये। अब अगर 5,000 में भी आती तो मेरे ख्याल से ड्रीम से तो काफ़ी बेटर रहेगी, कैमरे के साथ आपको वॉच मिल रही है, बट अगर 5,000 से ऊपर जाती तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉस्ट यहाँ पे आपको एक्सपेंसिव ही वॉच देखने मिलने वाली है। ड्रीम वॉच तो ऑन ऑफर चली जाती है 5,000 रुपये की प्राइस ब्रैकेट में, अभी भी आई गेस 5,500 या 5,600 रुपये की होगी। तो गाइज़ ये था एक डीप डाउन कंपैरिजन, दोनों में से बेटर कौन सी है। स्नैप 4G स्ट्रेट वे विनर बन जाती है क्योंकि अलग लुक है, कैमरा आपको मिल जाता है वॉच में ही इटसेल्फ, जो कि कहीं ना कहीं ड्रीम वॉच में अवेलेबल ही नहीं था। बैटरी बैकअप बेटर मिलता है, एंड्रॉइड वर्जन बेटर मिलेगा, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको अपग्रेडेड फीचर्स मिल रहे हैं, फंक्शंस मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से स्नैप 4G यहाँ पे विनर आ जाती है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।